टीवी एक्ट्रेस तुनिसा शर्मा मौत मामले में गिरफ्तार सीजान खान का परिवार पहली बार खुलकर मीडिया के सामने आया। आपको बता दें कि उनकी मां और बहन और उनके वकील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां पर अभिनेत्री की मां द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही अभिनेत्री तुनिसा की माँ बनीता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीजान और उसके परिवार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे। तुनिसा की मां ने सीजान और उनके परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सीजान तुनिसा से मारपीट करता था और उसका परिवार भी परेशान करता था। वहीं इस आरोप पर जवाब देते हुए सीजान की बहन फलक नाज ने कहा कि तुनिसा के साथ उनके संबंध अच्छे हैं और वह बहन जैसी थी। तुनिसा की माँ के आरोपों को नकारते हुए बहन फलक नाज ने कहा कि तुनिसा के संबंध हैं और उसके परिवार से अच्छे नहीं थे और उनकी मां बंधन में रखना चाहती थी। फलक ने कहा कि वह तुनिसा को तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। इसके लिए आने वाले 4 जनवरी को तुनिसा के बर्थडे पर अच्छी प्लानिंग भी हो रही थी। इसके अलावा सीजान के परिवार ने दूसरी गर्लफ्रेंड पैसे लेने और तुनिसा का इस्तेमाल करने के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि तुनिसा भले ही लाखों की मालकिन थी, लेकिन उसकी माँ ने पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया था। यदि तुनिसा को 100 रुपये भी चाहिए होते तो उसके माँ से मांगने पड़ते थे। सीजान के परिवार ने धर्म परिवर्तन कराने और हिजाब पहनने के आरोप पर कहा कि जिस तस्वीर को दिखाकर आरोप लगाया जा रहा है वह शूटिंग के दौरान की है। सीजान की बहन ने तुनिसा को किसी भी दरगाह में ले जाने से साफ इनकार कर दिया। सीजान खान के परिवार ने खुलासा करते हुए बताया कि तुनिसा के पूरे परिवार को संजीव कौशल नाम का शख्स हैंडल कर रहा है, जो तुनिसा का अंकल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो पवन शर्मा अपने आप को तुनिसा का मामा बता रहा है वह मामा नहीं बल्कि तुनिसा का पूर्व मैनेजर था, जिसे तुनिसा ने बहुत पहले ही निकाल दिया था। परिवार ने सीजान खान द्वारा ड्रग्स लेने के आरोप को खारिज कर दिया है। सीजान खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने कहा कि मीडिया ट्रायल और कई अन्य वजहों से पुलिस ने उनके क्लाइंट को गिरफ्तार किया है। सीजान खान बिल्कुल निर्दोष हैं। वकील ने कहा कि तुनिसा की मां ने जो भी आरोप उनके क्लाइंट पर लगाए हैं वह सारे झूठे आरोप हैं। वकील ने कहा कि तुनिसा के सीजान के परिवार के साथ अच्छे संबंध थे, उल्टा उसके घर में संबंध अच्छे नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। वकील और सीजान की मां ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सीजान ने तुनिसा के साथ मारपीट की तो उसकी मां ने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। वैसे आपको बता दें कि तुनिसा शर्मा मौत मामले में गिरफ्तार अभिनेता सीजान खान इस वक्त जेल में है और वसई की वाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 23 तारीख को सीजान ने अपने फोन से उनकी माताजी को फोन किया, आप जहां भी हैं आप तुरंत अभी इसी वक्त सेट पे आइए। किस कारण से किया था वो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। पार्थ को उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया जहाँ पे एक फांसी का फंदे का फोटो दिखाया था। एंड बीइंग कंसर्न्ड केयरिंग, क्योंकि उनका सगा भाई छोटा ऑटिस्टिक है, उन्होंने उनकी माताजी से अनुरोध किया कि प्लीज आप अपनी बेटी के साथ समय बिताइए, आप प्लीज अपनी बेटी के साथ रहिए, उसे अकेला मत छोड़िए, उसको आपकी जरूरत है। उनकी बेटी को उनके माँ का प्यार कभी नहीं मिला है। अगर उनकी परिवार से, उनकी माताजी से तुनिसा को वो प्यार मिला रहता तो वो प्यार बाहर नहीं ढूंढती। आप इतना वनीता जी चंडीगढ़ में थी जब तुनिसा को 104 फीवर आया था, वो कौन सी डेट थी? डेट के साथ तुनिसा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वो सेट पे थी, शूट कर रही थी, उसको 104 फीवर था। और उसकी मम्मी का मुझे फर्स्ट टाइम का कॉल आया था कि मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, मैं चंडीगढ़ में हूँ, मेरी प्रॉपर्टी का कुछ तो इशू चल रहा है, जो बड़ी नॉर्मल मेरी उनसे अच्छे से बात हुई थी, और आप प्लीज तुनिसा को घर पे बुला लीजिए, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि घर पे उनके नाना जो ऑलरेडी बीमार है उनको कुछ तो सीजोफ्रेनिया है, उनको वो है, तो उसकी वजह से वो अकेली थी, उसकी कोई केयर करने वाला नहीं था। मैंने उसको स्पेशली करके बुलाया कि हाँ बेटा ठीक है आओ, सेट पर ऑलरेडी डॉक्टर उसको आके लेके जा चुके थे, उसके बाद वो घर पर आई। बच्ची को 104 बुखार था और उस बच्ची को हमने बर्फ के पानी से पट्टियां रखी, उसकी मैंने बॉडी स्पॉन्जिंग की है उसकी। कहा थी उनकी अगले दिन उसने मुझे आई लव यू का मैसेज किया है कि मेरी इतनी केयर कभी किसी ने नहीं की है, आप ही आई लव यू। आपको दिखाएंगे अभी वो सारे सबूत।